देश की आर्थिक स्थिति मोदी सरकार से संभाले नहीं संभल रही है। सरकार बेपटरी हुई विकास दर को संभालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि जीडीपी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इस स्थिति को लेकर ना सिर्फ विपक्ष सरकार को घेर रहा है, बल्कि मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके अरविंद सुब्रमण्यन ने भी बड़ा बयान दिया है। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि आर्थिक स्थिति सुधरेगी, देश में फिर से रंगत लौटेगी, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी नाकामियों से लोगों की जिंदगी बेरौनक कर दी है। जब से दूसरी बार मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अब भले ही मोदी सरकार को चिंता सताए या न सताए, लेकिन जनता को फिक्र जरूर सता रही है। और उनके साथ अब तो मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके अरविंद सुब्रमण्यम ने भी बड़ी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू की तरफ बढ़ रही है, अगर नहीं संभाला गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सरकार के राजस्व आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर है। मोदी सरकार के पूर्व सलाहकार ने जिन आंकड़ों का जिक्र किया है, उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल नवंबर महीने में निर्यात में 0.34% की गिरावट आई और ये करीब $26 अरब रह गया। वहीं दूसरी तरफ लगातार 6 महीने में आयात में भी गिरावट जारी है। नवंबर महीने में आयात में करीब 11% की गिरावट आई और ये कुल $38 अरब रह गया। नीति निर्माता इसे अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि इंडस्ट्री में छाई सुस्ती की वजह से इसकी समस्या गहराती जा रही है। इसी समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व आर्थिक सलाहकार ने तो फिर मोदी सरकार को सलाह दे डाली है, लेकिन लगता है कि सरकार पर सब बेअसर है। तभी तो वो अब तक हालात नहीं सुधार पाई है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।